नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है निधि भंडारी और आप देख रहे हैं दी ऑर्डरिंग। कर्नाटक में हिजाब विवाद ने पत्नी रफ्तार पकड़ ली। आज इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही उडुपी के हालात बिगड़ रहे हैं। दरअसल सुनवाई से पहले ही महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब पहनी छात्राओं के विरोध में भगवा स्कार्फ डाले छात्र आ गए और नारेबाजी करने लगे, और देखते ही देखते मामला बढ़ गया और प्रदर्शन तेज हो गया। मामला बढ़त देख सीएम बसवराज बोम्मई का बयान सामने आया और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। सीएम ने कहा है कि मामला आज हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब तक उसका इंतजार करें और बच्चों को पढ़ने दिया जाए। इससे पहले भी सीएम ने शांति बनाए रखने की गुजारिश की थी, हालांकि उनका कहना था कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक नई यूनिफॉर्म लॉ का पालन सख्ती से करवाया जाए। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद मामले में आज हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। ये सुनवाई 5 लड़कियों की ओर से दायर की गई याचिका पर होने जा रही है। दरअसल इन छात्राओं की ओर से नए यूनिफॉर्म लॉ का विरोध करते हुए याचिका दायर की गई थी। अब नए सिस्टम के तहत कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको मामले के बारे में बता दें कि उडुपी में 1 जनवरी को सरकार प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को कक्षा में जाने से रोक रही थी। ये सभी छात्राएं हिजाब पहने हुई थी। कॉलेज प्रबंध ने प्रतिबंध लगाने के पीछे नए यूनिफॉर्म लॉ का हवाला दिया। ये मुद्दा अब उडुपी के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी फैल चुका है। कुंदापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को भी हिजाब पहनकर कक्षाओं में शामिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद से कई छात्राएं हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने का सख्ती से विरोध कर रही है। इससे पहले कर्नाटक ने शिक्षा मंत्री बीसी नगेश ने भी अपना बयान दिया। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने भी कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि छात्राओं को गुमराह कर रहे हैं और राजनीतिक दल 2023 का चुनाव का फायदा उठा रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि वे समानता चाहते हैं और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने तक इसे पहनेंगे। धन्यवाद। और खबर जानने के लिए बने रहिए दी ऑर्डरिंग।